दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मेरा विदा युविदा को एंड बेल आइकन दबाए मेरे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के। मैंने कहा एक शर्त है, कब्ज कितनों को है? कॉन्स्टिपेशन, पेट पूरा साफ नहीं होता सुबह सुबह एकदम, मैंने पेट एकदम हल्का हो जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे फूल की तरह उठ रहे हो, और पेट साफ ना होता ऐसा लगता कोई मन बोझ रख दिया हो तुम्हारे ऊपर, मन भी भारी तन भी भारी, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही। कितनों को कब्ज रहता है जरा उठाइए, पेट पूरा साफ नहीं हो रहा ना, नीचे कर लो, इसीलिए तुम्हें लाभ भी पूरा नहीं हो रहा, वेट जल्दी कम नहीं होगा, तो क्या करो, तो त्रिफला चूर्ण खा लो, त्रिफले से भी किसी का बांध ना टूटता हो, किसी किसी का बंधा सीमेंट का बना हुआ है, जिनका मिट्टी का बना हुआ वो तो त्रिफले से ही साफ हो जाता है, त्रिफला ले लेना जिनका कोठा थोड़ा ठीक मतलब कमजोर, और जिनका बहुत भारी है ना पेट, बहुत ही कांटे बहुत कमजोर हो गए, तो वो यहां से देते हैं हरड़ चूर्ण, हरित की चूर्ण वो ले लेना, एक दिव्य चूर्ण भी देते हैं, तो ये ज्यादातर तो त्रिफला चूर्ण से बात बन जाएगी, थोड़ा ले लो उसमें हरड़ बेड़ा आंवला भी, वो शरीर को अच्छा भी करता है, देते हैं ना यहां चूर्ण तो रखे हैं, अरे गर्म पानी में ले लो, उसमें लेने का तरीका कौन सा, उसमें कोई डांस करना है कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो कुछ कुछ भरतनाट्यम करना है उसमें, गर्म पानी से ले लो, गर्म पानी नहीं मिलता ठीक है, ऐसे पतीला उबलवा के रखवा देंगे गर्म गर्म, चलो अब उसकी व्यवस्था करवा देंगे, यहां गर्म पानी के लिए तो पतीले वो भी तो है अपने कमरे में भी, तो केतली रूम में केतली है नहीं है, वहां भी रखवा देंगे, कहीं छुट्टी हुई होगी तो चेक करवा लेंगे, और पानी के लिए गोमूत्र, तो गर्म पानी कमरे में कर लेना, और गर्म पानी की जो भी व्यवस्था होगी उसको कर देंगे, ये वैसे बता रहे, गर्म पानी से त्रिफला लिया करो फिर पेट बढ़िया साफ होता है, उससे चूर्ण लेना ही भूल गए, चलो लेना देना जो भी भूल गए हो उसको ठीक कर लेना, फिर सुनो सबाने में, सुनो मैं दो तीन बातें बता रहा हूं इससे संबंधित, सबाने में तीन गुना समय कर दो, जो जल्दी जल्दी खाते थे, तो धीरे खाते थे वो भी डबल कर दो, ये आपको एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं, मेरा भी कोठा इतना सख्त था मुझे याद है बचपन में, जैसे बकरी मेंगन करती है ना ऐसे मल इतना हार्ड हो जाता था, और ऐसे बहुत बुरी हालत रहती थी मेरी, तो मुझे तो इसका एक्सपीरियंस है, एक तो चबा चबा के खाओ, सलाइवा जितना मिलेगा, ये क्या आदमी की आदत है, दो इधर से मारे दो इधर से मारे धिक धनाधन अंदर, ये उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा धीरे धीरे खाओ, जल्दी नहीं खाना, इसको जीभ को ऑर्डर देना पड़ेगा, ये 2 इंच की जीभ सुन लो, 2 इंच की रसना और 2 इंच की वासना इंद्रिय, इन्होंने सारी दुनिया को पागल बना रखा है, और जिसने रसना और वासना को जीत लिया वो दुनिया जीत लेता है, सच्ची बात बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है, ये 2 इंच की जीभ ये खा पी के बराबर करती, आज तक किसी की मोटी हुई, मोटा होता है ये, मोटा होता है ये, मोटे होते ये, ये जीभ को कुछ नहीं बिगड़ता, शुगर पेनक्रियाज को होती है, हार्ट अटैक इधर होता है, ब्रेन हेमरेज इधर होता है, जोड़ों में दर्द इधर होता है, एसिडिटी इधर होती है, और ज्यादा तीखे तले मिर्च मसाले, बवासीर हो रखी है, अचार खाएगा मिर्च का ऊपर से नीचे तक जलेगा, कल आज खाया कल सुबह तक जलता है फिर भी खाता है, बोलो करता है कि नहीं करता, जीभ को काबू में रखो, फिर चबा चबा इतना खाओ, खाते खाते चीज क्या हो जाए बोलो, लिक्विड क्या हो जाए, सॉलिड को लिक्विड करके और लिक्विड को सॉलिड की तरह लिया करो, पानी भी पियो तो उसको ऐसे लो कि जो कोई सॉलिड चीज खा रहे हो, ये तरीका।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। थैंक यू।